3 की करंट लायबिलिटी ऐड करके बताओ। फोर थ्री जीरो सिक्स एट जीरो। 2003 का भी एडजस्ट। वेट, अब ये हमारे पास आंसर आ गया मल्टीप्लाई बाय 100। इसका आंसर दो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 2004 का। कैलकुलेट आंसर। ट्वेंटी सेवन पॉइंट थ्री। 2003 का ग्रॉस प्रॉफिट और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 406,400 ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 170,950। ये माइनस हो गया, नीचे कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, तो टोटल एसेट्स आ गए हमारे पास 732,110। लायबिलिटी तुमने बताई थी मुझे 241,590। इसका आंसर निकालो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 2003 का। दो हजार चार में ये बता रहा है कि हमने अपने लोन प्रोवाइडर्स के लिए और शेयर होल्डर्स के लिए अप्रोक्सीमेटली 27% प्रॉफिट कमाया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाया है। 2003 में कितना है? तकरीबन आना चाहिए 48%। आ रहा है 48%? यस, 48% आ रहा है, 48%। अब देखें फर्क समझे, 2003 में क्योंकि कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी थी इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लिए फोर्टी एट परसेंट कमा रही थी अपने शेयर होल्डर्स के लिए और लोन प्रोवाइडर्स के लिए, लेकिन इस साल कंपनी 27 कमा रही है, तो 48% से जंप करके कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो आ गई 28% के ऊपर। पुअर परफॉर्मेंस, अगला रेशियो एसेट टर्नओवर। एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते, टाइम्स में आंसर आता है। तो 2004, अच्छा कैपिटल एम्प्लॉयड तो अभी ऊपर निकाला है हमने, वहां से ले लेंगे। तो सेल्स हम देख लेते हैं सवाल में, 1391820 कैपिटल एम्प्लॉयड कहां से आएगा? ऊपर अभी मैंने 2004 में कैपिटल एम्प्लॉयड लिया है, 1088445। सेम 1088445 माइनस 430,680। आंसर निकालो, 2004 का एसेट टर्नओवर। टू पॉइंट वन टू समथिंग आंसर आना चाहिए। ठीक
चेक कर लेंगे सही आंसर आ रहा है। और 2003 का सेल्स निकालेंगे, 2003 की सेल्स हमारे पास आ रही थी 1159,850। और कैपिटल एम्प्लॉयड बन रहा है इसका 7320110 माइनस 241590 एंड दैट बिकम्स 2.36। यानी कि हमारा जो 2003 का एसेट यूटिलाइजेशन रेशियो है, एफिशिएंसी टू यूज एसेट, वो अच्छा था। और हमारा जो एसेट टर्नओवर रेशियो है 2004 का, वो भी गिर रहा है। इसका मतलब है कंपनी का जो यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट है वो भी अच्छा नहीं है। शायद इसकी वजह से कंपनी की सेल्स की परफॉर्मेंस भी बेहतर नहीं है। आफ्टर दैट हमें निकालना है करंट रेशियो इन क्विक रेशियो। सो करंट रेशियो इन क्विक रेशियो, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। सो 2004 में हमारे पास करंट एसेट्स देखते हैं कितने। करंट एसेट्स हमारे पास हैं ये दोनों, इनको प्लस करें करंट एसेट्स को, 109,400 प्लस 419,455, इन दोनों को प्लस करो। तो ये बनते हैं 528,855। और करंट लायबिलिटीज हमारी, ये ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट की थी, पेबल्स बैंक ओवर ड्राफ्ट टैक्सेशन करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज हमारे पास आ रही थी 436,80। इसका जो आंसर आएगा हमारे पास करंट रेशियो का, वो आएगा 1.23 is to 1। तो ये क्या बता रहा है 1.23 is to 1, कि एक लायबिलिटी को पे करने के लिए हमारे पास इस वक्त करंट एसेट्स कितने अवेलेबल हैं, 1.23। वन लायबिलिटी को पे करने के लिए एक 1.23 के करंट एसेट्स हैं। पिछले साल की पोजीशन चेक करते हैं। सो पिछले साल हमारे पास जो एसेट्स थे करंट एसेट्स, ये हमारे पिछले साल के करंट एसेट्स हैं, 88,760 प्लस 206 प्लस 95। तो करंट एसेट्स हमारे पिछले साल के बनेंगे लास्ट ईयर के 397,10। और लायबिलिटी पिछले साल की हमारे पास मौजूद है 241,590। इसका आंसर निकालें तो हमारे पास करंट रेशियो का आंसर बनेगा 1.62 is to 1। 1.62 का मतलब क्या है, एक लायबिलिटी पे ऑफ करने के लिए हमारे पास 1.62 एसेट्स मौजूद है। इसका मतलब है 2003 में हमारी पोजीशन ज्यादा अच्छी थी और लिक्विडिटी प्रॉब्लम, क्योंकि आपका जो करंट रेशियो है वो फॉल हो रहा है, फ्रॉम 1.62 से 1.23 पे जा रहा है। डेट इंडिकेट्स कि आपकी लायबिलिटी तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन लायबिलिटी को पे करने का जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल पहले 1.62 टाइम्स था, अब वो पोटेंशियल 1.32 टाइम्स हो गया। इसका मतलब है कैश फ्लो प्रॉब्लम, कंपनी की लायबिलिटी ज्यादा है और उसके एसेट्स कंपैरेटिवली कम है। फिर हम नेक्स्ट रेशियो निकालते हैं क्विक रेशियो। क्विक रेशियो या एसेट टेस्ट रेशियो, उसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री स्टॉक डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो जो ऊपर हमने कैलकुलेशन की है सब अपनी जगह वही रहेंगी, सिर्फ हम क्या करेंगे करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री माइनस कर देंगे। तो करंट एसेट्स हैं 528,855, इसमें से मैं स्टॉक माइनस कर दूंगा, और लायबिलिटी वही रहेंगी 436,80। तो स्टॉक की फिगर में देख लेता हूँ बैलेंस शीट में जाके, स्टॉक कितने का है, 109,400।
109,400 का स्टॉक माइनस किया और उसको लायबिलिटी से डिवाइड कर दिया तो क्विक रेशियो का हमारे पास आंसर बनेगा 0.97। 2004 में हमारे पास क्विक रेशियो इंडिकेट कर रहा है 0.97। क्या मतलब? इसका मतलब है वी हैव क्विक एसेट ऑफ 0.97 टू पे वन लायबिलिटी, यानी कि लायबिलिटी एक है लेकिन लायबिलिटी को पे करने के लिए हमारे पास जो एसेट्स अवेलेबल हैं वो एक से भी कम हो गए। पुअर लिक्विडिटी, इसका मतलब है कंपनी ओवरऑल प्रॉब्लम में चल रही है। कंपनी के लिक्विडिटी रेशियो, करंट रेशियो भी खराब है और उसका क्विक रेशियो भी खराब है। 2003, देखो मैंने पहले तुम लोगों को बताया था कि तीन चीजें हैं इंपॉर्टेंट। क्या क्या चीजें? पहले तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि रेशियो बताती क्या है, फिर आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, सही है, कैलकुलेशन, और उसके बाद उसकी कॉमेंट्री। कॉमेंट्री सबसे मुश्किल काम है। कॉमेंट्री F3 के लेवल पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आगे F7 और F9 में आता है। तो कॉमेंट्री पे तुम फंसोगे बहुत बुरे, अनलेस के हर रेशियो को तरीके से पढ़ लो। लेकिन कैलकुलेशन और डेफिनेशन में स्टूडेंट नहीं फंसता F3 के लेवल के ऊपर। कॉमेंट्री तो बड़े बड़ों का बस की बात नहीं है, F7 के स्टूडेंट को भी प्रॉब्लम होती है कॉमेंट्री लिखने में। तो अगर आपको कॉमेंट्री समझनी है तो आप अच्छी तरीके से किसी भी रेशो को ये समझें कि अगर ये रेशो गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है, सवाल समझें क्यों, वाई, और अगर ये रेशो बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, किस वजह से बढ़ रहा है। रीजन 1000 हो सकते हैं लेकिन आपको जो सवाल दिया हुआ होगा ना, आपको सवाल के अंदर से रीजन ढूंढना है, और जनरल रीजन भी पता होना चाहिए कि ये रेशो गिरती क्यों है और ये रेशो बढ़ती क्यों। अगर मैं 2003 निकालूं तो 2003 का मेरा करंट रेशो में करंट एसेट्स थे 397,10 और लायबिलिटी थी 241,590। स्टॉक माइनस कर देता हूं मैं, तो स्टॉक मेरे पास 2003 में 88,760। सो 88,760 मैंने इसमें से माइनस किया करंट एसेट्स में से, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी की, तो हमारे पास क्विक रेशियो का आंसर आएगा 1.25। अब आप देखें क्लियरली डिफरेंस, देखें 1.25:1। पिछले साल जो हमारी पोजीशन थी तो एक लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए हमारे पास 1.25 टाइम्स एसेट्स मौजूद थे, क्विक एसेट्स, अच्छी पोजीशन थी। क्योंकि आइडियल रेशियो कितना होता है, क्या बताया था मैंने आइडियल, कोई बताएगा? Anyone? What was the ideal? Quick ratio का ideal और current ratio का ideal? 1:1, very good. 1:1. आज तो तुम लोगों क्लास में ज्यादा स्टूडेंट है यार, लुकमान, मकसूद, यूनुस, मुस्तफा, नशरत, ये तुम लोग रेगुलर क्यों नहीं आते? मेरे पास जो रेगुलर स्टूडेंट की लिस्ट है उसमें जुहैब रेगुलर है, ताहा रेगुलर है, रुबाब रेगुलर है, मुस्तफ़ा यूजुअली क्लास में रेगुलर होता है, बाकी ऑन एंड ऑफ गायब होते। वाई ये पढ़ नहीं देना? और मेरे ख्याल से तुम लोगों की क्लास में इससे ज्यादा स्टूडेंट है, 8 तो ऑन एवरेज 4 या 5 अभी थ्रू आउट रीजनेबल रहते हैं। बाकी तुम लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर मिले जो लोग नहीं आते हैं, ग्रुप में एडेड हो तुम लोग, लुकमान, यूनुस, रेशियोस के रिकॉर्डेड लेक्चर पिछली क्लास के। आइडियल का क्या सीन है? आइडियल का वही सीन है यार, सब आइडियल ढूंढ रहे हैं, आइडियल सब ढूंढ रहे हैं लेकिन आइडियल जो है ना वो मिलता नहीं है। आइडियल का मतलब एक परफेक्ट स्टैंडर्ड समझ लें हम, ये लोग उसको समझते हैं बेस्ट है, लेकिन आइडियल वाइडियल कुछ होता नहीं है दुनिया में। लेकिन अगर एग्जाम में पूछ ले आइडियल क्या है तो आप कहेंगे कम से कम एक लायबिलिटी के लिए एक एसेट होना चाहिए। 1:1 का मतलब है एक लायबिलिटी के लिए एक एसेट होना चाहिए, और करंट रेशियो का आइडियल होता है 2:1। चलो अब जो भी जिसने भी पिछली क्लास नहीं ली थी तो हमारे पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं,
आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स चाहिए तो आप उस ग्रुप में व्हाट्सएप में आ जाएं और फिर मुझे मैसेज कर दें अपना जीमेल आईडी, तो आपको उस रिकॉर्डेड लेक्चर पे एक्सेस दे देंगे। तुम उसको ऑफलाइन पढ़ लेना, ऑनलाइन पढ़ो या ऑफलाइन पढ़ो, पढ़ा तो मैं ही रहा हूँ ना, बात तो एक ही। सही है, चले मूव ऑन। तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। परफॉर्मेंस क्यों अच्छी नहीं है? क्योंकि क्विक रेशियो पहले 1.25 था, अब क्विक रेशियो ड्रॉप करके 0.97 आ गया। अलार्मिंग सिचुएशन, नॉट गुड। 1.25 टाइम से फॉल होके किस पे आ गया है? सो पुअर परफॉर्मेंस, पुअर लिक्विडिटी पोजीशन। सो ओवरऑल बोथ करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो इज नॉट गुड। अगर तुमसे एडवाइस मांगी जाए क्या करें, बताओ, एनी आइडिया? अगर तुम में से किसी से एडवाइस मांगी जाए या पूछा जाए ये खराब क्यों हो रही है, कुछ बता सकता है? लास्ट लेक्चर जिसने लिया था तो मैंने इसमें बात की थी, डेटर्स, क्रेडिटर्स, इन्वेंटरी टर्नओवर, डेटर्स टर्नओवर, क्रेडिटर्स टर्नओवर। क्या ख्याल है जुहैब? हाँ सर, आपने लास्ट टाइम बताई सारी चीजें। जैसे ही बताया कस्टमर हमारे पास पैसा पैसे नहीं आएंगे उधार से, जिसको हमने उधार दिया था या माल लिया था, कैश फ्लो हमारे पास नहीं होगा तो हमें बैंक से लोन लेना पड़ेगा, ओवरड्राफ्ट लेना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट पड़ेगा, तो हमें एक तरीके से लॉस भी पड़ेगा। तो सब चीजें ही हमारे डेब्टर्स ओवर टर्न ओवर सारी चीजें एक वो है, सर्कल है, सब चलो चीजें खराब होंगी। एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, हाँ इसकी बैलेंस शीट में देखते हैं ओवरड्राफ्ट है क्या। पिछले साल इसके पास ओवरड्राफ्ट नहीं था, देखो लास्ट ईयर। इस साल इसके पास 30,000 का ओवरड्राफ्ट है, हो गई ना प्रॉब्लम खराब। इसकी लिक्विडिटी गिरी, इसको ओवरड्राफ्ट लेना पड़ा। इसका मतलब है या तो इसको कस्टमर की तरफ से प्रॉब्लम आ रहा होगा। तो अब हम फर्दर रेशियोज कैलकुलेट करते हैं ये चेक करने के लिए कि लिक्विडिटी में प्रॉब्लम आने के रीजंस क्या है। तो आगे हमें जो रेशियोज कैलकुलेट करनी है, इन्वेंट्री टर्नओवर, रिसीवेबल टर्नओवर और पेबल्स टर्नओवर, ये पोजीशन क्लियर हो जाएगी यहाँ से कि कंपनी को प्रॉब्लम। लेट्स फाइंड आउट इन्वेंट्री टर्नओवर। क्या तो फॉर्मूला था? ये चीजें और पजल होके आ सकते हैं एग्जाम में, या इससे ज्यादा पजल नहीं हो सकता ये? चलो नहीं भाई, तुम्हारे लेवल पे क्या पजल करेगा तुम लोगों को? सही है। तुम्हारे लेवल पे बेसिक है ये। देखो बात सुनो, तुम लोगों को ये पता है सेक्शन बी में क्या आता है? सेक्शन ए में कहां से सवाल आते हैं, सेक्शन बी में कहां से सवाल आते हैं, ये पता है? पता है किसी को? नो सर, ये गाइड कर दें आप। भाई मैं तुम्हारा मेन टीचर नहीं हूं, मैं तुम्हारा सपोर्टिंग टीचर हूं। खैर, सेक्शन ए में कहीं से भी सवाल आ सकते हैं पूरे सिलेबस में से। सही है, वो आपसे बैंक रिकंसिलेशन भी पूछ सकता है, बैड डेट्स भी, सही है, एरर्स इन सस्पेंस अकाउंट भी, कंट्रोल अकाउंट भी, पता नहीं सब कुछ, रेशोस, कंसोलिडेशन, कंपनी कैश फ्लो। सेक्शन बी में जो सवाल आते हैं ना, हम कहते ये हैं, स्टूडेंट को बताते ये हैं कि यार सेक्शन बी में आपको जो तैयारी करनी है ना एमटीक्यू की, तो उसके लिए जो आइडियल सवाल है ना आपके पास, वो है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा। 15 नंबर का सवाल इससे लाजमी आता है, कंसोलिडेशन, ठीक है? और जो दूसरा सवाल है वो लाइकली चांसेस होते हैं कि कंपनी से बनता है। ये दो तो पक्के पक्के सवाल है। अब इन्हीं सवाल के अंदर वो रेशियोज भी डाल देता है, तो आपके तीन पक्के पक्के सवाल कौन से हुए जिनसे आपके 30 नंबर का पेपर बनेगा जो मैंने करवाया आपने। सही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो बैंक रिकंसिलेशन, एरर्स, कंट्रोल अकाउंट। अभी एक स्टूडेंट ने पेपर दिया था लास्ट कुछ टाइम पहले, तो मैंने उससे पूछा कि यार बी में तुम्हारे पास क्या आया, तो उसने कहा कंसोलिडेशन थोड़ा, कंसोलिडेशन बिल्कुल थोड़ा आया, कंपनी का पूरा सवाल आया 15 नंबर का। और उसने ये बताया कि सर मेरे सवाल पास सेक्शन बी में बैंक रिकंसिलेशन भी आया था। अभी मैंने कहा यार ये तो एग्जामिनर पागल है,
उसको तो ए में पूछना चाहिए बैंक रिकंसिलेशन। तो इससे क्या समझे, इससे ये समझे कि जो आपके ए वाले टॉपिक्स है ना फेवरेट एग्जामिनर के, एरर, बैंक रिकंसिलेशन, सस्पेंस, कंट्रोल, वो भी वो पार्ट क्वेश्चन बनाकर दे सकता है। मतलब उसने 5 या 6 नंबर का सवाल बनाकर सेक्शन बी में डाल दिया। चले जी सॉल्व कर। हमें तो एक्सेस को डिवाइड क्यों कर रहे हैं? क्या चीज? सो कॉस्ट ऑफ गुड्स हम इन्वेंटरी पीरियड को क्लोजिंग स्टॉक को समझ आ रहा है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स हम उसको डिवाइड क्यों कर रहे हैं? फॉर्मूला है, आपको ये बता रहे हैं कि पूरे साल में आपने जितनी भी इन्वेंटरी पे पैसा लगाया ना, उसके मुकाबले में आपके पास स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, ताकि ये फाइंड आउट करने के लिए कि आपके कितने दिन तक स्टॉक इन्वेंटरी में पड़ा रहता है। ठीक है सर। अच्छा सर, मैं अभी किसी तरह हॉटस्पॉट से क्लास ले रहा हूँ, तो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, क्लास के बाद लेक्चर शेयर कर देगा जरूर। रिकॉर्डिंग ले लेना, मसला नहीं। ठीक है, थैंक यू सर। क्योंकि भाई इंटरनेट के सबके पास मसला है, इंटरनेट को हमारे पास, मैं सबसे अच्छा इंटरनेट इस्तेमाल करता हूँ, वो भी सबसे बुरा है। उसके भी अभी एक सिग्नल आ रहा है, तो क्या करें? मोबाइल के डेटा से कर रहा हूँ। तो ये तो मजबूरी है, इसका कोई सलूशन नहीं। ओके सर, ठहर। मेरे पास 2,500 रुपये वाला पैकेज है इंटरनेट का, लेकिन इंटरनेट चलता है पैथेटिक। और मैं तकरीबन ऑलमोस्ट पाकिस्तान में जितने इंटरनेट कंपनीज हैं सब इस्तेमाल कर चुका हूँ, ऑलमोस्ट सबकी परफॉर्मेंस बुरी है, बेकार परफॉर्मेंस, क्या करें। तो अगर कोई, मैं स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ, अगर आपको मेरी तरफ से भी इंटरनेट में कोई इशू आए तो टेंशन नहीं है, सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड होते हैं। तो अगर आपको ऑनलाइन में कोई मसला है तो आप, लेकिन क्लास लो जरूर ऑनलाइन। ये नहीं कि सर अगर रिकॉर्डेड दे देते हैं तो भी मैं क्लास क्यों लूँ, मैं ऑफलाइन बैठ के पढ़ लूंगा। तो ऑनलाइन में फायदा ये होता है क्योंकि नास्क क्वेश्चन, ऑफलाइन में ये होगा आपको सवाल पूछने का मौका नहीं मिलेगा, कोई कन्फ्यूजन होगी तो हाउ कैन आस्क क्वेश्चन। सही है। तो फिजिकल क्लास होती तो बात ही अलग थी यार, फिजिकल फिजिकल होता है, यू नो। चले इन्वेंट्री पीरियड निकाल दे, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। फिजिकल के कोई चांसेस नहीं है दूर दूर तक, कोरोना वायरस इज स्प्रेडिंग लाइक वाइल्ड फायर। अभी तो पता नहीं कितने मरेंगे। तो फॉर्मूला मैंने क्या लिखा था, क्लोजिंग स्टॉक, वैसे एवरेज स्टॉक होता है ओरिजिनल फॉर्मूले में, लेकिन मैं क्लोजिंग स्टॉक ले रहा हूँ। इसका रीजन बताया था मैंने जो पिछली क्लास में थे। सो हम बैलेंस शीट में गए, हमें पता है क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में होता है, तो हम बैलेंस शीट में गए, इन्वेंट्री है 109,400, तो हमने इन्वेंट्री उठाई 109,400। फिर हमने COGS कहाँ से मिलेगा हमें, वो मिलेगा इनकम स्टेटमेंट में से, 1050825 मल्टीप्लाई बाय 365। आंसर बोलो, कंपनी ने कितने दिन तक इन्वेंट्री होल्ड करके रखी? आंसर आना चाहिए 38 डेज। क्या मतलब, इसका मतलब क्या होगा 38 डेज का? इन्वेंट्री सेल हो जाती है 38 डेज के अंदर। अच्छी बात है बुरी बात है? कितने दिन में इन्वेंट्री सेल होनी चाहिए? जो एवरेज होगा, जल्दी बेच, जितनी जल्दी बेच सकते हैं ताकि आपकी इन्वेंट्री की होल्डिंग कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए। भाई जितना पैसा आपने लगाया इन्वेंट्री बनाने में, वो तो आपका गोडाउन में पड़ा हुआ है। गोडाउन में क्या अंडे दे रहा पैसा, वहां तो हमारा कोई फायदा ही नहीं, गोडाउन में रखा हुआ है। तो आप इन्वेंट्री बना के जितनी जल्दी बेचेंगे ना उतना अच्छा है। अब देखो प्रैक्टिकली कोई कंपनी 25 दिन में स्टॉक बेचती है, कोई कंपनी 50 दिन में बेचती है, किसी का 30 दिन में बिकता है। जो अच्छी कंपनीज होती है ना, एक एग्जांपल दूं तुम्हें, यूनिलीवर, पता है यूनिलीवर के बारे में तुम लोगों को? यूनिलीवर इज द बेस्ट कंपनी, हर बंदे का ड्रीम होता है यूनिलीवर में मेरी जॉब लग गई, यूनिलीवर के शेयर खरीद लो मैं, बेस्ट कंपनी। या एंग्रो फूड्स, ये बेस्ट कंपनीज है इन टर्म्स ऑफ, पता है यूनिलीवर कितने दिनों के अंदर अपना स्टॉक बेच देती,
यूनिलीवर 7 दिन के अंदर सारा स्टॉक बेच देती है, यूनिलीवर जितना भी स्टॉक होता है 7 दिन के अंदर बिक जाता है, इसलिए यूनिलीवर के पास करंट रेशियो क्विक रेशियो हमेशा बहुत अच्छा आता है क्योंकि उसकी इन्वेंट्री जमा ही नहीं होती, यहाँ बनाया यहाँ बिका। बाज यूनिलीवर के आइटम ऐसे हैं जो आपको एडवांस के अंदर पैसा देती है रिटेलर्स जो होते हैं, सुपर स्टोर जो होते हैं, कहते हैं भाई पहले पैसा बाद में माल बना के देंगे। यूनिलीवर ऐसे भी डील करती है बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, और यूनिलीवर ये जितने भी प्रोडक्ट्स हम कॉमनली इस्तेमाल करते हैं ना ये सारे यूनिलीवर के, मेजॉरिटी प्रोडक्ट्स हमारे घरों में यूनिलीवर के इस्तेमाल होते हैं, शैम्पू क्या, डिटर्जेंट्स क्या, साबुन क्या, तेल घी इधर उधर सब यूनिलीवर, मेजॉरिटी यूनिलीवर या PNG या एंग्रो वगैरह, सही है। वॉल्स आइसक्रीम यूनिलीवर के पास है, बेस्ट प्रोडक्ट है, सबसे ज्यादा पाकिस्तान में बिकने वाली आइसक्रीम वॉल्स, या आपका सन सिल्क वगैरह, नीडो सन सिल्क, ये सब यूनिलीवर के प्रोडक्ट। तो यूनिलीवर को अगर आप स्टडी करो ना आपको पता लगेगा यूनिलीवर एक जबरदस्त, यूनिलीवर को पता है एक शेयर कितना कितने का है मार्केट के अंदर पता है कितने का होगा? गैस गैस मारो कितना? 200,000 का, तकरीबन 15,000 से लेकर 16,000 एक शेयर की कीमत, 100 शेयर्स लेने जाओगे लाखों रुपयों की जरूरत पड़ेगी, इतनी जायंट कंपनी। बहरहाल खैर, तो इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड हमारा कितना आ गया? 38 डेज आ गया, 2003 का निकालते हैं तो हमारे पास इन्वेंट्री कितनी है 2003 में हमारे पास इन्वेंट्री 88,760, सो 88,760, और COGS हमारे पास है 753,450 मल्टीप्लाई बाय 365 से मल्टीप्लाई करेंगे जब भी डेज पूछेगा, अगर सवाल में उसने डेज खुद बता दिए तो अलग मसला है। तो आपके पास जो डेज आ रहे हैं वो आएंगे 43 डेज, सही है 42 या 43 राउंडिंग ऑफ कर लेते 43 कर दो, 43 डेज आ जाएंगे। तो इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड पहले कितना था? 43 डेज, और अब कितना हो गया है? अब हो गया है 38 डेज। क्या मतलब? 2003 में इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड कितना था? 43 डेज, और 2004 में इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड कितना हो गया है? 38 डेज। अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात है, अच्छी बात है भाई, जल्दी इन्वेंट्री बेच रहे हैं। We are selling inventory fast. जितनी जल्दी इन्वेंट्री बिकेगी उतना हमारे लिए अच्छा है। सो इन्वेंट्री तो हम जल्दी बेच रहे हैं, इसका मतलब है कंपनी का इन्वेंट्री बेचने का प्रोसेस तो एफिशिएंट है। अच्छा, अगर इन्वेंट्री ना बिक रही हो तो क्या करें? कोई टेक्निक बताओ। ऑफर लगा दें, डिस्काउंट की, बाय वन गेट वन फ्री की, एज ए ट्रिक्स होती है, मार्केटिंग ट्रिक्स होती है। बिल्कुल बेस्ट 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 बेस्ट, बाय वन गेट वन गेट टू फ्री, राइट? यस, अप टू 30% ऑफ, बाय टू गेट वन फ्री या डिस्काउंट ऑन वन, ये जो भी इंसेंटिव दिए जाते हैं ना, इस इंसेंटिव का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि इन्वेंट्री जल्दी बेचो। तो कौन सी इन्वेंट्री जल्दी बेचनी चाहिए? जो फैशनेबल स्टॉक्स होते हैं, क्योंकि उनकी एक लाइफ होती है ना, अगर वो आप नहीं बेचेंगे तो क्या होगा? सर्दी के कपड़े गर्मी में कोई पहनेंगे? लोग आउट ऑफ हो जाएंगे, तो इसलिए क्या करते हैं, वो सेल लगा देते हैं, बोनेंजा वाले सेल लगाते हैं, फला सेल लगी हुई अप टू 70% ऑफ, फला फला, वो स्टॉक बेच रहे होते हैं, निकालो माल निकालो, कॉस्ट टू कॉस्ट निकालो, लो प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर बेच देते हैं, सही है जी। उसके बाद नेक्स्ट रेशियो हमारा रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड,
रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला मैंने बताया था, क्लोजिंग रिसीवेबल्स जो बैलेंस शीट में पड़े हुए होते हैं, डेटर्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365। क्लोजिंग रिसीवेबल का डेटा बैलेंस शीट से मिलेगा, क्रेडिट सेल्स का डेटा इनकम स्टेटमेंट से मिलेगा, 365 फॉर्मूले के अंदर है। मैं डायरेक्ट आंसर पुट कर रहा हूँ ताकि तुम्हें सिर्फ आंसर समझाऊंगा मैं, ताकि तुम देख के लिख सकते हो। सो रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड के लिए बैलेंस शीट में जो रिसीवेबल्स हैं 419455, क्रेडिट सेल्स या टोटल सेल्स जो बैलेंस शीट में पड़ी हुई है 1391820 मल्टीप्लाई बाय 365। आपके पास आंसर आना चाहिए रिसीवेबल कलेक्शन का 110 दिन। चेक कर लो क्या मतलब, क्या मतलब भाई, पैसे जल्दी मिल रहे हैं। कस्टमर हमें 110 दिन में पे करता है, उसका जो क्रेडिट पीरियड हमने दिया हुआ है ना, उसको जो भी दिया हुआ है क्रेडिट पीरियड, वो हमें 110 दिन के अंदर पैसा रिटर्न कर रहा है। अच्छी बात नहीं है, बहुत बुरी बात है, 3 महीने से भी ज्यादा, ऑलमोस्ट 4 महीने, वेरी पुअर। लेकिन पिछले महीने, पिछले साल का देखते हैं, पिछले साल का क्या था ताकि पोजीशन क्लियर हो जाए। सो पिछले साल हमने फॉर्मूला लगाया, तो पिछले साल का हमारा जो रिसीवेबल था वो रिसीवेबल था 206,550, और पिछले साल की हमारी सेल्स थी, इसका आंसर निकालो। वो बहुत ड्रास्टिक चेंज आ गया, 65 डेज। आप देखें, आप कंपेयर करें, पिछले साल जो हमारा कस्टमर का क्रेडिट पीरियड था, हम कितने दिन में कलेक्शन कर रहे थे, 66 दिन के अंदर। अब हमारा कलेक्शन पीरियड कहाँ पहुंच गया, कोई रीजन बताएगा? पुअर कलेक्शन पीरियड, जब तो कैश फ्लो का प्रॉब्लम आ रहा है, जब तो करंट रेशियो और क्विक रेशियो खराब हो रही है, ऐसा क्यों? एक रीजन पता क्या समझ में आता है, कि जो आपके कस्टमर से पकड़ने वाले ना, उस डिपार्टमेंट को क्या कहते हैं, रिकवरी डिपार्टमेंट, रिकवरी डिपार्टमेंट, डेटर्स कलेक्शन डिपार्टमेंट, रिकवरी डिपार्टमेंट। वो रिकवरी डिपार्टमेंट में टुन बैठे हैं लोग, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं। अगर वो अच्छे और एफिशिएंट होते ना, इनएफिशिएंट, तो कस्टमर को गले से पकड़ के रखते हैं, 30 दिन का टाइम दिया, 30 दिन के अंदर डिलीवर करो पैसा। क्योंकि अगर आपका कलेक्शन पीरियड पुअर होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, पुअर कलेक्शन पीरियड में आपको बैंक से बोरो करना पड़ेगा, और हमारी बैलेंस शीट में बैंक ओवरड्राफ्ट क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो आप अपने कस्टमर से टाइम पे नहीं ले पा रहे, और एक रिस्क बढ़ जाएगा। कौन सा रिस्क बढ़ेगा, बैड डेट्स का रिस्क बढ़ जाएगा, चांसेस ऑफ बैड डेट। जितना कस्टमर डिले कर रहा है ना, समझ जाए गड़बड़, अगर कस्टमर डिले कर रहा है तो समझ में भाग जाएगा, बैड डेट्स का रिस्क बढ़ जाएगा, सही है जी। नेक्स्ट रेशियो, पेबल्स पेमेंट पीरियड, इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, क्लोजिंग पेबल्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेजेस। क्रेडिट परचेजेस ना हो तो सवाल में तो क्या लेंगे, मजबूरी में सीओजीएस। अब जो सवाल हम कर रहे हैं, इसके अंदर क्रेडिट परचेजेस नहीं है,
मैं क्लोजिंग पेबल्स और पेबल्स लेंगे, ट्रेड पेबल्स ना, ट्रेड पेबल्स हमारे पास कितने हैं, 345,480 और परचेजेस नहीं दी हुई तो हम COGS उठा लेंगे, तो जो भी डेटा हम यहाँ पे उठाएंगे 2004 का डेटा, सो पेबल हमारे पास है 345,480 का पेबल पड़ा हुआ है और 1050825 का COGS। आंसर बोलो। आंसर आना चाहिए 120 दिन। आंसर आना चाहिए। 2003 का इसका आंसर कैलकुलेट करते हैं। 2003 का, तो 2003 में हमारे पास पेबल है 179,590 और COGS हमारे पास पड़ा हुआ है 753,450 मल्टीप्लाई बाय 365। इसका आंसर कितना आएगा? एटी सेवन डेज। अब इसको जरा कंपेयर करो, इसकी इंटरप्रिटेशन ये होती है कि आप अपने सप्लायर को कितने दिन में पेमेंट कर रहे हैं। तो पहले हम अपने सप्लायर को कितने दिन में पेमेंट कर रहे थे? 87 डेज के अंदर। और आप कितने दिन में पेमेंट कर रहे हैं? 120। क्यों? क्योंकि जब आपको कैश फ्लो प्रॉब्लम होता है ना, तो उसका नजला आप गिराते हैं सप्लायर के ऊपर। आप कहेंगे हमारा कस्टमर टाइम पे नहीं दे रहा, हम भी आपको टाइम पे नहीं देंगे, तो इसका प्रॉब्लम क्या होगा? इसका प्रॉब्लम होगा कि मार्केट में आपकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, आपके सप्लायर के साथ रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे। सप्लायर नाराज हो गया और उसने आपको मना कर दिया तो क्या होगा? आपको दूसरा सप्लायर ढूंढना पड़ेगा, प्रॉब्लम। सही है, तो सप्लायर को आपने जो भी पीरियड कमिट किया है उस पीरियड के अंदर देना जरूरी है। जल्दी पे करेंगे तो फायदा क्या होगा बताओ? डिस्काउंट रिसीव होगा। डिस्काउंट रिसीव पता ना, इनकम होती है। चले नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट करें। 5 मिनट का मैं ब्रेक ले रहा हूँ, 5 मिनट के बाद स्टार्ट करेंगे, पानी वानी पी लूँ। सही है।